एक दिन कोई व्यक्ति सुबह वॉक के लिए जा रहे थे, तो वहां से एक छोटा लड़का न्यूज़पेपर बेचने वाला निकलता है। वो लड़का उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या आप आज का न्यूज़पेपर खरीदना चाहोगे? उस व्यक्ति ने मना कर दिया, उसे जरूरत नहीं थी। लेकिन वो लड़का फिर से बोला, सर इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ है और प्राइस भी काफ़ी कम है, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। वो छोटा लड़का अब बोला कि न्यूज़पेपर ले लो वरना आप एक दिन की जानकारी से पीछे रह जाओगे। व्यक्ति को वो बात अच्छी लगी, उन्होंने न्यूज़पेपर खरीद लिया। पर उस व्यक्ति को लगा कि शायद ये किसी मजबूरी से न्यूज़पेपर बेच रहा है। व्यक्ति ने लड़के से सवाल किया कि तुम्हारे पेरेंट्स गरीब है जो तुम इतनी कम एज में न्यूज़पेपर बेचते हो? वो छोटा लड़का ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो कहता है, मेरे पेरेंट्स गरीब नहीं हैं, मेरे फादर नगर पालिका में हैं। व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अगर गरीब नहीं है तो इतनी कम एज में इतनी सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम कैसे कर रहा है? व्यक्ति ने पूछा, तो फिर तुम न्यूज़पेपर क्यों बेचते हो? तो वो लड़का बोला, जिसे ध्यान से सुनने लायक है, मैं अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी से ही काम करने की आदत पड़ जाए, कम एज में ही सब कुछ सीख लूँ ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, वो न्यूज़पेपर बेचने वाले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान और शेयर मार्केट के जादूगर वॉरेन बफेट हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना दान कर दिया है कि इनको दुनिया का सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। 21वीं सदी के सबसे बड़े दानी होने के बाद भी आज वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनको शुरू से ही, बचपन से ही पैसे कमाने की लगन थी। 15 साल की एज में न्यूज़पेपर बेचकर $175 यानी कि 12,000 रुपये हर महीने कमाते थे। तब उनकी नेटवर्थ $6,000 हो गई थी, 3,90,000 रुपये। और अपनी कॉलेज शुरू होने से पहले ही $90,000 कमा लिए थे, करीब 60 लाख रुपए। उनका ऐसा मानना है कि इन्वेस्ट से ही पैसा बनाया जा सकता है। वॉरेन बफेट ने कहा है, कभी भी एक सिंगल इनकम पर डिपेंड मत रहो, सेकेंड सोर्स के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहो। उनकी एक बात ही जो जितने भी अरबपति है उनसे अलग करती है, वो है उनकी लाइफ स्टाइल। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। जितने में इन्होंने अपना घर खरीदा था $31,500 में, वो आज उनकी टोटल नेटवर्थ का 0.001% पार्ट है। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्द आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है। यार कोई भी काम छोटा नहीं होता। वॉरेन बफेट एक दिन न्यूज़पेपर बेचते थे बिना कोई परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। सो अगर आपको पता है कि आपका काम कभी ना कभी आगे जाएगा, जो कि लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, देन डोंट वरी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि आपने कोई भी काम शुरू किया जो लोगों को हो सकता है कि वो छोटा लगता है, तो आपका विज़न उसमें जो आपने देखा है वो उन्हें नहीं पता ना। उनको नहीं पता कि आप क्या सोच कर उस काम को करते हो और कहाँ तक उसे लेकर जाओगे। बस लगे रहो, टाइम आने पर जो रियलिटी है वो सबको पता लग ही जाती है। जिस तरह से न्यूज़पेपर बेचने वाले वॉरेन बफेट की रियलिटी सबको पता लग ही गई और आज हम सब उनके बारे में जान रहे हैं। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियोज़ आगे भी बनानी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज मैं कोई भी वीडियो पब्लिश करूँगा तो वो हो सकता है आप तक ना पहुँचे। थैंक यू सो मच। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।